वडोदरा शहर में तेज रफ्तार पकड़ रहे वैसे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आज भी 114 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं, जिसके साथ कुल मिलाकर दर्दियों का आंक वडोदरा शहर के लिए 6876 पर पहुंचा है। तो वहीं आज भी एक दर्दी की कोरोना संक्रमण में मृत्यु होने का दर्ज हुआ है। वडोदरा शहर में तेज रफ्तार पकड़ रहे वैसे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आज भी 114 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर वडोदरा शहर के लिए कोरोना पॉजिटिव दर्दियों का आंक 6876 पर पहुंच चुका है। तो वहीं बीते 24 घंटों के दौरान वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा अपने सैंपल आंक में बढ़ावा करते हुए 2000 से भी अधिक यानी कि 2227 जितने लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से सिर्फ 114 ही पॉजिटिव बने हैं। तो वहीं आज भी एक दर्दी की कोरोना संक्रमण में मृत्यु होने का दर्ज हुआ है। अभी तक कुल मिलाकर 127 जितने लोगों की कोरोना संक्रमण में मृत्यु होने का कॉर्पोरेशन की सत्तावार सूची में दर्ज हुआ है। तो वहीं आज भी 82 जितने लोगों को डिस्चार्ज किया गया था। कुल मिलाकर अभी तक 5479 जितने लोगों को कोरोना मुक्त किया गया है। आज नए बने कोरोना पॉजिटिव विस्तारों में से गोत्री, मांजलपुर, नवापुरा, कारेलीबाग, दिवालीपुरा, अटलादरा, पानीगेट, रावपुरा, हरनी रोड, फतेहपुरा, गोरवा, माणेजा, वाड़ी, सुभानपुरा, तरसाली, छानी, वगोड़िया रोड, प्रतापनगर, वारसिया, समा, आजवा रोड, अक्षर चौक, वड़सर, मांडवी, दंतेश्वर, न्यू वीआईपी रोड, इलोरा पार्क, निजामपुरा आदि विस्तारों से कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। जबकि वडोदरा के ग्रामीण उंडेरा, कोयली, पदमला, सिनोर, डेसर, सावली, डबोई, करजन, पादरा से भी कोरोना पॉजिटिव केस वडोदरा शहर में दर्ज होने का पता चला है।